गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूं। दोस्तों आज क्वेश्चन सेंटेंस को हम लोग जो बनाते हैं उसका जवाब कैसे देंगे, ये है आज का टॉपिक। तो क्वेश्चन सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, मैंने इसके पहले डिस्कस किया था। एक क्वेश्चन सेंटेंस होता है जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाते हैं, और हिंदी में आगे क्या आता है, जैसे क्या तुम पढ़ रहे हो तो आर यू रीडिंग, क्या वह जा रही है इज शी गोइंग, क्या मुझे जाना चाहिए शुड आई गो। तो ये सारे शुरू में हिंदी में क्या आ रहे हैं, तो हम लोग इंग्लिश में बनाते समय हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाएंगे। और दूसरे टाइप के क्वेश्चन सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हम लोग को क्वेश्चन वर्ड लगाना रहता है, व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें हिंदी में सब्जेक्ट के बाद में क्या, क्यों, कब आता। तो दोस्तों ये दोनों क्वेश्चन सेंटेंस का जो जवाब होता है वो अलग होता है। जैसे हमें कहना है कि क्या तुम पढ़ते हो, तो डू यू रीड, इसका जवाब हम लोग यस या नो में दे सकते हैं, इसको डिटेल्स में देना जरूरी नहीं है। लेकिन हमें कहना है कि तुम क्या पढ़ते हो, व्हाट डू यू रीड, तो इसको आप लोग यस या नो में नहीं बोल सकते, आपको इसको डिटेल्स में बताना पड़ेगा। आई रीड अ बुक, आई रीड अ स्टोरी, वेयर आर यू गोइंग, आप कहां जा रहे हैं। तो आपको केवल यस या नो नहीं बोलना है, आपको पूरा बोलना पड़ेगा आई एम गोइंग टू मुंबई, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू स्कूल, जहां भी आप जा रहे हैं। तो WH क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो कंप्लीट होता है, और शुरू में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है उसका जवाब यस या नो में हो सकता है। लेकिन यस या नो के अलावा हम लोग उसको और भी तरीके से जवाब दे सकते हैं, ये है आज का टॉपिक। देखते हैं, समझते हैं कि इसको हम लोग कैसे बोलेंगे। पहला सवाल लिखा है कि क्या तुम छात्र हो, आर यू अ स्टूडेंट, तो इसका जवाब अगर हमें हां में देना है तो हम लोग बोलेंगे यस, पहला तरीका। दूसरा तरीका यस आई एम, हेल्पिंग वर्ब में रुक जाना है। तीसरा तरीका थोड़ा डिटेल्स में बोलना पड़ेगा, यस आई एम ए स्टूडेंट। अगर नो कहना है, नो, नो आई एम नॉट, एम नॉट का शॉर्ट फॉर्म है दोस्तों, ये किसी दिन शॉर्ट फॉर्म की क्लास लेंगे, दैट इज अनदर वीडियो। तीसरा रहेगा नो आई एम नॉट अ स्टूडेंट। तीसरे वाले में आपको कंप्लीट सेंटेंस बना के बताना है। आगे देखते हैं दोस्तों, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, डू यू प्ले क्रिकेट, जवाब पहले हां में लेते हैं, यस, यस आई डू। जो क्वेश्चन सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा वो यहां आ जाएगा, यस आई डू। अगर यहां रहता कैन यू प्ले क्रिकेट, तो यस आई कैन। शुड यू प्ले क्रिकेट, यस आई शुड। विल यू प्ले क्रिकेट, यस आई विल। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो यहां पर आ जाएगी। Have you played cricket? Yes, I have. जो भी हेल्पिंग वो आ जाएगी, ये पर्याप्त आंसर माना जाएगा। तीसरे नंबर वाले में हमको पूरा कंप्लीट बोलना पड़ेगा, Yes, I play cricket. पूरा कंप्लीट बोलना पड़ेगा। मेन वर्ब भी आएगी, डू डज डिड, पॉजिटिव में नहीं लगाया जाता। अगर हमें इसका नेगेटिव बनाना है तो हम लोग बोलेंगे नो, नो आई डोंट, नो आई डोंट प्ले क्रिकेट, ऐसे बनाना है। तो जब शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है तो उसका जो जवाब है उसका हम लोग हाँ में तीन तरीके से कह सकते हैं, ना में तीन तरीके से कह सकते हैं। कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों। क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, पहले हाँ में लेते हैं, यस, यस आई कैन, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश। नो में लेते हैं, नो, नो आई कांट, नो आई कांट स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं बीमार हूं, एम आई इल, दोस्तों क्या मैं बीमार हूं, एम आई इल, तो इसका जो जवाब होगा वो जवाब यू में आएगा। मैंने क्वेश्चन किया कि क्या मैं बीमार हूं, तो सामने वाला बोलेगा, जवाब देगा हां तुम बीमार हो, तो वो तुम बोलेगा, वो तो इससे जवाब रहेगा यस, यस यू आर, यस यू आर इल, नो, नो यू आरंट, नो यू आरंट इल, ऐसा आएगा दोस्तों। और आगे लेते हैं, क्या वह आएगी, विल शी कम, हां में जवाब, यस, यस शी विल, यस शी विल कम। नो में, नो, नो शी विल नॉट, या नो शी वॉन्ट, विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट होता है। और नेक्स्ट बनेगा, तीसरा बनेगा नो शी वॉन्ट कम। दैट्स ऑल दोस्तों, ये सेंटेंसेस है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, हेल्पिंग वर्ब को अच्छे से ध्यान देना है, और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है, टेंसेस को बदल बदल कर, वाक्य को बदल बदल कर, वर्ड्स को बदल बदल कर, हेल्पिंग वर्ब को बदल बदल कर, सब्जेक्ट को बदल बदल कर प्रैक्टिस करना है। लेकिन प्रैक्टिस आपको लाउडली करना है और उसको सुनना है कि आप जो बोल रहे हैं वो कैसे बोल रहे हैं। दैट्स ऑल, मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, और बहुत जल्द मिलते हैं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों, जिससे सभी को इसका फायदा मिल सके। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए।
बहुत जल्द मिलते हैं एक नई कोशिश के साथ और एक नए प्रयोग के साथ। धन्यवाद।